में विकास के जो नए आयाम देखे हैं उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मेहनत और विजय साफ नजर आते हैं। मुख्यमंत्री के इन प्रयासों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से भी भरपूर सहयोग दिया गया है। यही वजह है कि प्रदेश के सिर्फ एक योजना का बजट भी इतना है जितना कि कई राज्यों का सालाना बजट नहीं होता। 14 सितंबर बीना के रास्ते मध्य प्रदेश के औद्योगिक जगत में एक नया इतिहास रचा गया है। मध्य प्रदेश को एक नया उपहार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रख दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीना में बनने वाला ये कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ला देगा। केंद्र सरकार की दूरदर्शिता और विजन से बीना में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इनमें सिर्फ बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में अब तक का एक स्थान पर आया हुआ सबसे बड़ा निवेश है। 50,000 करोड़ रुपए के इस निवेश के साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रदेश के अलग अलग स्थान पर किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 2.37 लाख और शेष 2 लाख को मिलाकर 4,37,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस प्रोजेक्ट के निर्मित होने से बीना रिफाइनरी सहित अन्य क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित होंगे जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इतने वृहद स्तर पर रोजगार के ऐसे अवसर कम ही आते हैं। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद बीना सहित सागर, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा सहित समीप के इलाकों में औद्योगिक हब बनेंगे। भी जा रहा है, लेकिन आज ये क्षेत्र अत्यंत प्रसन्न है, आनंदित है, उत्साहित है। बीना और आसपास वालों, केवल बीना नहीं, सागर नहीं, विदिशा हो, मुंगा, आप अशोकनगर हो, गुना हो, सागर हो, ये बुंदेलखंड की धरती जिसको कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा रखा था, पिछड़ा, पिछड़ेपन का अभिशाप झेलने के लिए मजबूर थी। लेकिन आज ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें सीधे 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, सीधे 50,000 करोड़ का। बीना में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होने से होटल व्यवसाय बढ़ेगा, साथ ही अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। निवेश के इस नए दौर में यहाँ नई इंडस्ट्री आएंगी, किसानों, छोटे उद्यमियों को मदद मिलेगी ही, सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश के नौजवानों को भी रोजगार के हजारों मौके मिलने वाले हैं। इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ की जनता की तकदीर बदल जाएगी। आज मित्रों, कई उद्योगपति आए यहाँ एंसिलरी यूनिट, मतलब छोटी छोटी इकाइयां लगाने के लिए, और जब ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और बनने के बाद जो अन्य यूनिट आएगी भविष्य में 2,15,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। रोजगार नए भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी कायाकल्प हो रहा है। जैसे जैसे देश की जरूरत बढ़ रही है, जरूरतें बदल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी आधुनिक बनाना उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश के 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया। ये अत्याधुनिक फीड पर इकाई 1200 के TPA पॉली इथिलीन और पॉली प्रोपिलीन का उत्पादन करेगी जो प्लास्टिक, कपड़ा, पैकेजिंग और फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम आता है। साल 2028 तक इस इकाई का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। ये परियोजना पर्यावरण के अनुकूल है। इस इकाई में पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालने के उद्देश्य से उन्नत एवं मॉडर्न तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। ये इकाई देश की आयात निर्भरता को कम करके भारत के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को जीवंत करेगी। इसके साथ ही ये मेगा परियोजना 40,000 से अधिक रोजगार का निर्माण करेगी और पेट्रोलियम क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को प्रेरित करेगी। ये योजना बीना के पास बुंदेलखंड क्षेत्र में एक मेगा पेट्रोकेमिकल पार्क के विकास की संभावनाओं को भी जन्म देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज़।